एक्चुअली मैं 1-1.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जी कुछ फंड हम सिलेक्ट किया है, थोड़ा बोलिए कैसा रहेगा ये। जी तो आपका SBI और मीरा एसेट का मल्टी कैप फंड है, और बिरला सनलाइफ का ELSS फंड है, जी और ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड है। मैं अगला 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जी तो कैसा रहेगा ये? ओके मुझे लगता है बैलेंस एडवांटेज फंड को छोड़ करके दोनों मल्टी कैप फंड और बिरला सन लाइफ का टैक्स सेविंग फंड एक अच्छा विकल्प है। निश्चिंता से इन तीन फंड में निवेश कीजिए। ICICI का बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है, लेकिन चूंकि आप 10-15 साल के लिए निवेश कर रहे हैं और ये उतार चढ़ाव आप विथस्टैंड कर सकते हैं, तो इसमें तीनों में ऑल इक्विटी फंड में लगाइए। बैलेंस फंड एक शुरुआती निवेशक के लिए है जिसको कि बाजार की गिरावट से डर लगता है, और अगर आपको आपकी स्थिति वो है, आपको लगता है कि गिरावट से आपको डर लगता है, तो दोनों मल्टी कैप के बजाय आप दो बैलेंस एडवांटेज या दो बैलेंस फंड में पैसा लगाएं, जहां पे स्टेबिलिटी के साथ शुरुआती दो दो तीन साल तक आप वहां पे करें। लेकिन अगर आप जिस तरह से 10-15 साल के लिए लगा रहे हैं, दो मल्टी कैप फंड, एक इक्विटी फंड, SIP के जरिए लगाइए, और 2-3 साल पे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए कुछ और खास करने की, बल्कि चौथे फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं होनी चाहिए।